भाई सारे एक बार फिर जकार्ता की सड़कों पे लगड़ लिया हा और आज जान लग रहे हैं हमें बीच पे। तो भाई दिखावांगे आपकी ये कुछ नज़ारा है भाई बीच का और ये कुछ थोड़ा देखने नहीं मिला है। देखेंगे तो भाई ये कुछ पाओगा अब क्या कुछ पाओगा और तो बने रहो भाई हमारे लिए और देखते रहो हमारे लोग। बिल्कुल भाई यार चैनल ने शेयर सब्सक्राइब नहीं करना कर यार करा करो यार कुछ ताकि मामला भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले अपना और दिखाने का। अब मैं भी लगा भाई हमारी वीडियो चलने लग रही है और क्या यार ढिल में चलने लग रहे यार। इस रास्ते में एक पेड़ मिला मामे और चिड्डी चढ़ा दे तो पूरा देखे बेरा गुने भाई है के लेकिन लग रहा है इसका फल खूब सारा। जगह का नाम है भाई जयकार्ता कोटा। अरे और मेट्रो स्टेशन का टिकट काउंटर भाई उरा। तो भाई नमूने सिर्फ अपना अपना को नहीं नमूने उरा भी है। वह लेन जो थी वह सिर्फ बस की लेन थी लेकिन उस घोचड़ू आदमी ने नहीं बस की लेन में गाड़ी बैठ के ना जाम लगा दिया सड़क पर। ये देखो आप अरे ठा ठा के दौड़ने लग रही थी। यो देखो भाई पूरा ट्रेन आने से पहले फाटक बंद हो चुकी है। अपने दोनों साइड बैरियर है इनके एक ही साइड है। देखो ये वन वे है नहीं इस करके अरे आगे इनकी ट्रेन पूरा की पूरी एसी ट्रेन है भाई। और ट्रेन में कोई के रात तो भाई या उरा एक नहर सी है लोग उरा मछली पकड़न भी आओ। देख हालांकि इस नहर में जरा गंद पड़ा है लेकिन मछली पकड़ने का जुगाड़ इनती पूरा लगा रखा है। अर्जमा रोड का किनारे ही हो पहुंचे हाँ बीच का एंट्री गेट पर। चलते हैं बीच पे देखते हैं बीच पर जाने खातर है पूरी सीधा कोई रोड नहीं है। हर जगह वो लगा रखे मतलब जो अपने टोल टाइप है तो हर जगह टिकट ही लेनी पड़ेगी मतलब अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि वह सीधा रोड है यहाँ पे ऐसे ऐसा कोई सीधा नहीं है कि अभी सीधे बीच में पहुंच जाएंगे। हाँ यह तो है भाई लेकिन साफ सफाई खतर भाई थोड़ा सा तो करेगी सरकार चार्ज या तो कोई बड़ी बात को नहीं इतना तो बना भी है। कल जाके देखा हाँ कितने की टिकट है टिकट लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको भाई। ठीक है मित्रों आगे भाई देखते आगे आगे हरियाणवीर अच्छा आगे हरियाणवी टिकट ले ली हेड तै एक टिकट पड़ी मारे 25,000 रुपया की। और अब चलते हैं अंदर किसाक फील कर रहे हैं पंगे फिर भाई एक नंबर का लगन लग रहा है बहुत मत है 50,000 रुपये जा ली है। और बीच देखने जान लग रहे हैं भाई साफ सफाई का तर थोड़ा तो बना है देखा तो इस बीच पर किके एटलांटिस है सीवर्ड है डफन है इकोवेशन है भाई मतलब कई चीज़ें हैं जो मैं मेरे कर सी कहा फेस्टिवल है जकार्ता बर्ड लैंड है और गोंडोला है भाई घनी घनी चीज़ हैड है देखेंगे अपने दिखावांगे। चलो करते हैं इंजॉय मज़े लेवांगे मज़े ही फुल स्वाद आवेंगे भाई पंगेरा एक बार देख लो आप भी पूरा माहौल सेट है। और देखो हमारा शम्मी एंट्री करते हैं शम्मी के दिखाऊं देखा
यो जमा एंट्री करते का नज़ारा है भाई शामी का, यो देखो ओहो भाई स्वाद है आने आज तो। क्यों पंगे? यस ब्रो। ले भाई पोत्री डूइंग मोल माल और सब कुछ है भाई। देखिए उधर लिख रहा है क्या भाई, जिसने जड़ा जाना हो आपके हिसाब से डेस्टिनेशन चूज करो और पहुंच जो अपना स्वाद लेने का थोड़ा। पहुंच चुके हाँ एडा वो क्या कर रहा नहीं हरियाणा में इतना बड़ा जोड़ और डांगर एक भी को नहीं उसे जगह पे पहुंच गए। हाँ आपने भी दिखाई दें एक बार कितना बड़ा जोड़ है, अरे कितने का डांगर है यो देखो बहुत बड़ा जोड़ हरेक डांगर को नहीं। अलग सा मजा है अलग सा नज़ारा है। फिलहाल अड़े कोई को नहीं मामे दो ही दो हरे हाँ बाकी सारे भी तर जा रहे हैं। तो भी बता दे पंगे कुछ पर है भाई बहुत बढ़िया लगन लग रहा है उरे। और वो तो भाई देखेंगे कि मैं जी बतावांगे बस जस्ट पहुंचे हाँ। चलो देखते रहेंगे और अपना दिखाते रहेंगे। ओ जड़ तक नजर तो उड़ तक पानी है पानी पर अपने अड़ भाई अगर भाई आप एंकल बीच पाओ हो और पूरा अपने रिक्शा लेनी हो तो आप ये ले इसको। इसका प्राइस है 175,000 और उसका है 70,000 रुपये। बीच बीच का जितना एरिया नहीं कड़ियाँ भी लेके एंड से को आप इसने। सोलहवीं सेंचुरी में जब यूरोपियन आए थे नहीं 29 बीच की शुरुआत करी थी। ठीक है साफ सुथरा है भाई। ओहो अच्छी ठंडी ठंडी हवा हनी पुंगे यह पोत्री दियुंग रिजॉर्ट है भैया। अगर किसी ने बीच साइड रिजॉर्ट पाए के रहना हो तो भाई यो जो घोड़ा पे बैठा है एक ये एक ट्रेडिशनल गेम है। इसमें दो ग्रुपों के बीच में गेम खेला जाओ है और यो जो स्टैचू बना रखा है वो इनका जो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल गेम जो रचना आता था नहीं सुम्बा उसका है। और इस गेम ने क्या करा ये मारापू मारापू गेम क्या करा है भाई इसने देखो यो ऐसे आपने देखा भी होगा उसमें फिल्म फल्म दिखा आग रहा है नी वो गेम है यो। हमने ले लिया अपना रोप वे की टिकट और जावा चलन भाई मतलब तो लगा लियो समंदर कर पूरा सारी चीज आगे ऊपर को दिखाओगा अभी तो देख दे रो दिखा आपने भी दिखा वहाँ रोप वे का किस के एक्सपीरियंस वो है मस्त मजा आओगा। चलो भाई आप पहुँचे हाँ उड़े देखो रोप वे का जो नज़ारा होगा उड़े को भाइयों आ जाएगी यहाँ पे रोप वे पे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें बैठने का और बहुत जल्द आपने भी दिखाऊंगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस हुआ है रोप वे का। रोप हुए जल्दी आपने इसमें बिठा बैठ के ना हम भी देखेंगे कि सा की एक्सपीरियंस और आपने भी बतावांगे। ले भाई पंकज बैठ गया फिर है रोप हुए में भाई एक नंबर का मजा आ रहा है सारे देखो जमा आसमान अलग अलग है मजा आ रही है तो ऊपर ना जान लग रही है देख तरीके तो शुरुआत है। ओ भाई साहब
भाई जैसा मैंने बताया था मेरा एक्सपीरियंस इसमें बैठने के बाद नहीं मन नहीं हो रहा क्योंकि भाई जो आप मेट्रो मोट्रो में घुमाने वो सारा बकवास है। इसमें बैठ के ना मजा जो आनंद आवे है तो देखिए पंगे दिखा देख देख भाई ऊपर का जो नजारा जो नजारा लिया कर सारा तो दिखन लग रहा नहीं। ओहो अति उत्तम भाई अनुभव अलग है मजा आ रहा है। 20 मिनट की राइड है करीब या 20 मिनट में तो घूम ले जकार्ता घूमने के पूरे हो जाएंगे। जो जो कर टिकट पहनती पीछे लिए थे नहीं 1.5 लाख रुपये जो पूरे हो जाएंगे 1.5 लाख के। तो समुंदर और यो है इसका इंडोनेशियन अकेडमी ही और देखो नीचे भी मेरा पानी पानी हो रहा सारा डॉक यार्ड शिप यार्ड है भाई और बोटिंग एसोसिएशन का। ओहो यो देखो भाई सिराए मानिए पंकज जी से ना तो जमा सिराए मानिए मतलब खतरनाक। पंगे आप पूरा उतरांगे अंदोनी पूरा उतरांगे अंदोनी देख ये देखो भाई पानी के मजे ले रहे बालक ये देख ड्रॉप हुए के राइट लेके पहुंच गए हाँ वापिस। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इन तक का सही ओवरऑल भी लाइक है सही मज़ा आ रहा था। अगर आप भी कदे आओ हो तो ज़रूर विजिट करो और देखो घूमो फिरो ऐश करो। ना मिल गया है गड्ढे का जूस गड्ढे का जूस पीने लग रहे हैं एक गड्ढे का जूस का गिलास पड़ेगा 15,000 का। देखो आप भी ये इनका मेन्यू चार्ट देखो भाई घूमते घूमते हमें पहुंच गए शिपयार्ड में देख लो। पूछा था तो मना कर दिया नहीं बोला भाई बंद हो गया हमें लेट हो गए कल कोशिश करांगे कल आवांगे एक बार आप देखो इनका शिपयार्ड। यो हो भाई इनका शिपयार्ड कितना बढ़िया बना रखा है यार बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है शिपयार्ड। और बाकी भाई या पार्टी खतर बुक हो है इनती बताया बोले अगर आपने पार्टी करनी है तो आप बुक कर सको इसने वैसे घूम खतर को नहीं भाई पार्टी तो वहाँ किसकी करा किसके गला पार्टी करा भाई। बीच बात पर घूम क्या एक आधी जगह और थे गए थे जरा कैमरा प्रतिबंधित था भाई ऑडो वीडियो को नहीं बना सका थे क्योंकि वह बात है कई कंट्री हैं जड़ा कैमरा अलाउड को नहीं करते लेकिन हाँ कुछ जगह पर है इसमें जड़ा कैमरा अलाउड को नहीं फिर भी पंगे किसान का एक्सपीरियंस रहा था भाई एक
नंबर का एक्सपीरियंस था। और जो बीच का भाई हम घूमे या वो तो बस ये बतावा था भाई एक नंबर था। तो पर वो जो टू भाई जो थी बात वो बस बहुत बढ़िया थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस के रहा पंगेतरा इस प्लेस के बारे में तक का? वो तो भाई तो सोच के आए थे नहीं, मतलब वो तो लगा था कि भाई गरीब है, फिर हमने एंट्री करी तो सारी चीज़ें महंगी लगी रही है, तो उस टाइम दुख सा होया। लेकिन भाई जुगर जुगर इस देश में देखने लग रहे हैं नहीं, लोग आते मिलने लग रहे हैं भाई, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। लोग भाई हेल्पफुल है, अगर कोई दिक्कत है तो मतलब तो लोग हेल्प कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई लोग आपकी गलत गाइड करेंगे। भाई ईब तक मामला आज 3 दिन हो गए, किसी बंदा ने मारती गलत गाइड नहीं करे। बिल्कुल भैया बात तो करनी पड़ेगी, एक हेल्पिंग नेचर है लोगों का जमाने, एक बार कंधे से तैयार हो जाए हाँ ले ले ले। दूसरी बात भाई इन्हें मेरे पर से इंडियन है भाई साहब इतने खुश हो जाए जमा। हाँ आज मैं धरती बताऊँ, आज मामे बीच पर जा रहे थे जिधे एक बंदा था जो पानी पुनी बेचता था, वो उसने मैंने कह दिया मैं इंडियन मेरे के बोले वो बोले शाहरुख खान अमिताभ बच्चन माँ हाँ, वो खुश हो गया सुन के। भाई एक जावा हाँ एक बार कमरे पे कि मैं खा पी के फटकार के सोवांगे, बिल्कुल थक चुके हैं भाई जमा जमा मरे नाला काम हो रहे हैं सात दिन के अंदर, क्योंकि टाइम पहुँच गया रात के 10 बज गए अपने इंडिया में तो 8:30 हुए हैं एंड 10:30 बज गए जो वाले 10 बज गए देख टाइम दिखाऊंगा अपना। वो देखो भाई वो घड़ी चलने लग रही 21:44 हो गए पौने 10 हो गए उरा। अरे ऐडा का कुछ ऐसा सीन है, ये इनका पार्किंग एरिया है भाई। तो भाई होटल का दौरा के बस थोड़ा सा आगे जाके 24/7 है, कुछ खाने का सामान ले लिया, दूध दाँत ले लिया। तो भाई आप पहुँचे अपना होटल में, मिलते हैं आपसे कल सुबह।